शॉर्ट्स वर्सेस रील्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, जहाँ से कि आप आपका फ्यूचर सेट कर सकते हैं, अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं और अपने नाम का एक अच्छा खासा ब्रांड बना सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज जयदीप उपाध्याय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बात करते हैं आज के हमारे पॉइंट नंबर वन की, वो है प्रोफेशनलिज्म। अगर आपको आगे जाके ग्रो होना है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहाँ पे आप प्रोफेशनली ग्रो हो सकते हैं। ये डिपेंड भी करता है कि आपने कौन सा एक कैटेगरी या फिर निश को चूज़ किया है। इसलिए आपको अगर प्रोफेशनलिज्म में जाना है तो मेरा सजेशन होगा कि आप यूट्यूब को चूज़ करें। वहाँ से आपको ऑडियंस जो है वो जेन्युइन ऑडियंस मिलती है, काफ़ी अच्छी ऑडियंस मिलती है और ऑब्वियसली वहाँ पे आप अगर ज़्यादा ग्रो होते हो तो अपने नाम का एक अच्छा खासा ब्रांड भी बन सकता है, लोग आपको नाम से पहचाना चालू कर देंगे और वहाँ पे आप चाहो वो निश के अंदर ग्रो हो सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम की पब्लिक भी अलग है, वहाँ की ऑडियंस भी अलग है, वहाँ पे लोग एक प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से नहीं आते, वहाँ पे टाइम पास के लिए लोग ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आपको अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना है तो यूट्यूब शॉर्ट्स को आप प्रेफरेंस देना, उसके बाद आप इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर मूव ऑन कर सकते हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की कि आपको अर्निंग कहाँ से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो जैसे आपको पता ही है यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर इनकम का ऑप्शंस काफ़ी सारे हो जाते हैं, लेकिन बात करें अगर इंस्टाग्राम रील्स की तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन नहीं है। ये बात भी सही है कि इंस्टाग्राम रील्स ने अभी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन रखा है कि जहाँ से कि अगर आप वीडियो ट्रेंड में जाता है, वायरल होता है, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलता है। लेकिन YouTube शॉर्ट्स के ऊपर ऐसा नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट्स के साथ आप लॉन्ग वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी ऑडियंस ग्रो भी हो सकती है, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि यहाँ पे आपकी जो लिंक है, अफिलिएट लिंक, ड्रॉप शिपिंग लिंक, कुछ भी तरह की लिंक्स जो होती हैं या फिर अपने खुद की ब्रांड की कंपनी की लिंक भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर रख सकते हो, वहाँ से आप अच्छा खासा ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि आप बायो के ऊपर रखोगे, इसके चांसेस भी कहाँ जहाँ तक देखा जाए कम होते हैं अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स नहीं है। तो अगर बात करें इनकम की तो इनकम के अंदर सीधी से बात है यूट्यूब ही जीतने वाला है और हो सकता है कि आगे जाके यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर हर एक क्रिएटर को जो क्राइटेरिया कंप्लीट करता है उसको तो हर किसी को पेमेंट मिले, लेकिन ऐसे चांस इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर तक कहीं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इंस्टाग्राम रील्स में तो यहाँ तक भी हो सकता है कि आगे जाके मोनेटाइजेशन ही बंद हो जाए, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यूट्यूब के जो क्रिएटर है वो मोनेटाइजेशन के ऊपर ही टिके हुए हैं। तो इनकम के हिसाब से भी यहाँ पे आपको यूट्यूब शॉर्ट जो है वो ज़्यादा फायदा देने वाला है। बात करते हैं पॉइंट नंबर तीन की, वो है ऑडियंस रिटेंशन। अगर आप ऑडियंस रिटेंशन की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन फिर से मिल जाते हैं आपको, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स, कौन सा चूज़ करें। देखिए इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर जो आपका टॉपिक या आपका कुछ जो निश है उसके ऊपर आपको कुछ निश ही ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको अच्छी खासी ऑडियंस मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मीम्स के अंदर, कॉमेडी के अंदर और इस सभी चीज़ में जाओगे तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी पब्लिक देखने को मिल जाती है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर। लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं है, यूट्यूब के ऊपर आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करो, जैसे कि अगर आप बिजनेस को लेकर जाओगे तो भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हो सकता है, बहुत स्पीड से भी ग्रो होते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक मिलती है वो आपको प्रीमियम पब्लिक देखने को मिलने वाली है, जिनकी एज 50-60 एज तक के लोग भी जो होते हैं यूट्यूब को बहुत ही ज़्यादा देखते हैं आज के टाइम में। लेकिन रील्स के ऊपर ऐसा नहीं है, रील्स के ऊपर वो एज आपको या फिर वो ऑडियंस आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे जो निश है वो सभी निश यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रोथ के मामले में आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितनी ग्रोथ आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल सकती है या फिर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकती है। इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि फर्स्ट आप डिसाइड करें कि आपका निश क्या है, निश के अकॉर्डिंग ही जाए। अगर आप फैशन के अंदर जाना चाहते हैं तो फर्स्ट आप रील्स के ऊपर भी जाएं और शॉर्ट्स के ऊपर भी जाएं, दोनों जगह एक साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका निश स्टार्टअप के ऊपर या बिजनेस के ऊपर है तो आप फर्स्ट चूज सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही करें, यूट्यूब आपका सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर फैशन वगैरह है या फिर मीम्स वगैरह है ऐसा कुछ है तो इंस्टाग्राम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग। देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा देख रहे हैं कि हाँ मुझे आगे 10 साल के बाद ये होगा या फिर ये होना चाहिए, तो इसके अंदर बात करते हैं कि अगर इस बारे में आप सोच रहे हैं कि आगे जाके फ्यूचर क्या हो सकता है, तो इसके अंदर इंस्टाग्राम भी सेफ है और यूट्यूब भी सेफ ही है, इसके अंदर दोनों ही प्लेटफॉर्म सेफ है। अगर इंस्टाग्राम रील्स आया है तो चलता रहेगा क्योंकि अभी सारे प्लेटफॉर्म
शॉर्ट्स के ऊपर आ चुके हैं और सेम यूट्यूब के ऊपर भी है। यूट्यूब शॉर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। आपको पता होगा एक्सप्लोर पेज के ऊपर भी काफी सारे शॉर्ट्स ही ट्रेंडिंग के अंदर शो करते हैं और इंस्टाग्राम भी रील्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है और काफी ज्यादा रील्स जो है वो डेली अपलोड हो रहे हैं। तो ग्रोथ जो है आपको लॉन्ग लास्टिंग दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सिमिलर दिखने वाली है। अब मेन पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसके अंदर बात होती है ग्रोथ की, कि आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कहाँ पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स, कहाँ पे आपकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है। अब देखिए इसमें दोनों के एल्गोरिदम अलग अलग वर्क करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर अगर आपको या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको ज़्यादा ग्रो करना है और जल्दी ग्रो होना है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे फॉलोअर्स गेन करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो आगे जाएगा। लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं है, इसके ऊपर बहुत ही कम चांस में ऐसा होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके व्यूज़ के लिए। ऐसा नहीं है अगर आपकी जो वीडियो है वो रैंक हो रही है, उसके ऊपर अच्छे खासा हैशटैग रैंक हो रहे हैं और उसके जो कीवर्ड है वो रैंक हो रहे हैं तो उसमें सब्सक्राइबर डिपेंड नहीं करते। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर आपको फॉलोअर्स गेन करने पड़ेंगे। उसका एल्गोरिथम इस तरह का है कि फर्स्ट के 10 मिनट वो आपको फॉलोअर्स में 50 फॉलोअर को देगा, उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा उसमें से मान लो 50% भी रिटेंशन दिखता है उसको तो फिर वो आगे के और 50 फॉलोअर को देगा। इस तरह से उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है, फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहता है जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो। लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं है। अगर आप नए भी हैं और आपका कीवर्ड और हैशटैग जो भी आपने यूज़ किए हैं वो अगर रैंक हो रहे हैं और काफ़ी स्पीड से बूस्ट मार रहा है, लोग उसको कंप्लीट स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो को देख रहे हैं, जो वीडियो का रिटेंशन हो स्टार्ट टू एंड पूरा आ रहा है, तो आपका वीडियो काफ़ी जल्दी बूस्ट हो जाएगा, आपका चैनल भी काफ़ी स्पीड से बूस्ट हो जाएगा। लेकिन ये चांस आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलता है। तो अगर आप स्पीड ग्रोथ को भी देख रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यूट्यूब को सेलेक्ट करें, क्योंकि एक और चीज़ है, एक और लास्ट पॉइंट और एडवांस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जिसके अंदर कि क्या होता है कि आप यूट्यूब की ऑडियंस को इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसका जो कन्वर्जन है वो अप्रोक्सीमेट 30-40% का देखा गया है। ये मैं नहीं, गूगल की रिपोर्ट बोल रही है कि अगर आप यूट्यूब से कोई ट्रैफिक को इंस्टाग्राम पे भेजते हो तो उसका जो कन्वर्जन है वो 30-40% होता है। जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूबर क्रिएटर जो है उनके फॉलोअर काफ़ी अच्छे हैं। देखा गया है कि जिस जो भी ट्रैफिक जो यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे आता है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अगर इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे ट्रैफिक जाना बहुत ही कम चांस है। इसका जो कन्वर्जन है वो सिर्फ 10% का है, ये गूगल की रिपोर्ट बोलती है, मैंने बोलता। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ ग्रो होना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो होकर मैं यूट्यूब करूँगा तो इसके चांस थोड़े कम हैं। लेकिन यूट्यूब से अगर आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये कुछ 5 से 6 पॉइंट थे, मेरे कुछ टिप थी। अगर आप जो भी चूज़ करना चाहो फर्स्ट में वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फर्स्ट यूट्यूब के ऊपर आओ, यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग वीडियोस भी डालो शॉर्ट्स भी डालो, तो आप दोनों के साथ ग्रो होंगे, ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी, फिर आपको उसको ईजिली इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको जानना है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, घर बैठे कमाई कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो लेकर आता हूं और हर एक वीडियो में एक अलग अलग तरीका छुपा होता है, तो ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय।